students. Today we are going to talk about another very important topic from the chapter biomolecules, and that important topic is sugars, matlab carbohydrates. So children, talking about carbohydrates, a carbohydrate is an organic compound comprising only carbon, hydrogen and oxygen. कार्बोहाइड्रेट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें चीफली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनसे मिलकर के बनते हैं. टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर चीफली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स. टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स, सो एग्जाम्पल्स आर शुगर केन, ग्लूकोज एंड स्टार्च. चिल्ड्रन, इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सो द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CxH2OY. If we compare this formula with glucose, तो glucose का क्या formula होगा? Cx मतलब C6, H2O whole Y. तो H2O whole 6. ठीक है, तो अब ये क्या बना? C6 H6 2 12 O6. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बना? C6H12O6. गॉट इट? तो जनरल फॉर्मूला अगर मैं बात करती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है CxH2OY. एंड चिल्ड्रन, दीज कार्बोहाइड्रेट कंसिडर्ड एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन, राइट? Now children, some of the food items which are rich in carbohydrates are shown in this picture. Like potato, it is very rich in carbohydrate. Banana, corn, apple, wheat, rice, corn flour, glucose. So these are some of the food items which are very rich in carbohydrate. Now children, most of the carbohydrates are sweet in taste, and that is why they are also called as sugars. Carbohydrate जो होते हैं basically taste wise sweet होते हैं, मीठे होते हैं, इसलिए carbohydrates को sugar भी कहते हैं. Carbohydrates are also called saccharides, right? कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स भी कहा जाता है. क्यों? बिकॉज दिस वर्ड सैकेराइड्स डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज, दैट इज सैक्रॉन. सैक्रॉन का मतलब होता है शुगर, मीठा. तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहा जाता है. एंड चिल्ड्रन, इन दिस पिक्चर दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सैकेराइड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स ऑफ शुगर. Like fructose is a carbohydrate, glucose is the carbohydrate, ribose is the carbohydrate. So these are some of the examples for sugar, right? Children, the simplest among sugars, the simplest among carbohydrate are monosaccharides, which cannot be hydrolyzed further. तो जो carbohydrate का जो सबसे simple form होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मोनोसैकेराइड. इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म. व्हाई इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म? बिकॉज इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, क्योंकि इनमें फर्दर हाइड्रोलाइज ये नहीं होते. नाउ टॉकिंग अबाउट डाइसैकेराइड्स, सो चिल्ड्रन, डाइसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड और एंजाइम्स
if they yield two molecule of monosaccharides. Di means two. Saccharides is the unit of carbohydrate. So, disaccharides में जब hydrolysis की process होती है, तो monosaccharide के दो molecule बनते हैं, right? So, the two monosaccharides are joined together, like by an oxide linkage, by the bonding with the loss of water, they form disaccharide. डाइसैकेराइड के ब्रेकडाउन होने पर मोनोसैकेराइड के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया है. हम ये भी कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स में जब ऑक्साइड लिंकेज होती है विद द लॉस ऑफ वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल के लॉस पर, राइट, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो है, उनके लिंकेज से जो है डाइसैकेराइड बनता है. यानी कि दो मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड बनाते हैं. तो मोनोसैकेराइड इज द सिंगल यूनिट, मोनोसैकेराइड इज द मोनोमर फॉर द डाइसैकेराइड्स. टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डाइसैकेराइड्स, सो सुक्रोज व्हिच इज प्रेजेंट इन शुगर, माल्टोज व्हिच इज प्रेजेंट इन पोटैटो इन ब्रेड, एंड लैक्टोज व्हिच इज प्रेजेंट इन मिल्क. सो चिल्ड्रन, दीज आर सम ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन. As we all know that the simplest form of the sugar is monosaccharide, क्योंकि इसमें hydrolyzed ये नहीं होते हैं, right? So carbohydrates are classified on the basis of their behavior on hydrolysis. So on the basis of their behavior on hydrolysis, carbohydrates are classified into three important categories. The very first important category is monosaccharide. So children, it is the very simple form of the sugar. Monosaccharide is the very simple form of the sugar. And these carbohydrates, they cannot be hydrolyzed further to give the simpler unit of polyhydroxyaldehyde, or we can say ketone, right? And about 20 monosaccharides are known to occur in nature, right? Talking about the example of monosaccharides, so fructose, glucose, ribose, these are the example of monosaccharide. The second important category is oligosaccharide. So carbohydrate that yields 2 to 10 monosaccharide units, they on hydrolysis, so that category is known as oligosaccharide. So jab kisi bhi carbohydrate mein breakdown hydrolysis ke baad 2 se 10 molecule monosaccharide ke bante hain, तो वो ऑलिगोसैकेराइड कहलाता है. अब इस हिसाब से डाइसैकेराइड भी जो है एक ऑलिगोसैकेराइड ही हुआ. एंड दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एंड एटसेट्रा टिल टू द डेकासैकेराइड्स, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट व्हिच इज प्रोवाइडेड ऑन द हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस के बाद कितनी मोनोसैकेराइड की यूनिट मिल रही है, अगर 2 यूनिट मिल रही है तो डाइसैकेराइड, 3 मोनोसैकेराइड बन रहे हैं तो ट्राइसैकेराइड, 4 मोनोसैकेराइड बन रहे हैं तो टेट्रासैकेराइड, 5 मोनोसैकेराइड बन रहे हैं तो पेंटासैकेराइड, 10 मोनोसैकेराइड अगर बनते हैं तो डेकासैकेराइड. तो इस तरीके से ये सारी के सारी यूनिट्स, डाइसैकेराइड, ट्राई, टेट्रा टू डेकासैकेराइड, ये सारे के सारे जो हैं ऑलिगोसैकेराइड के अंदर आते हैं. एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, लैक्टोज इज द वेरी गुड एग्जाम्पल. The next category is the polysaccharide. As the name suggests, poly means several. So carbohydrate which yield a large number of monosaccharide units on hydrolysis is called polysaccharide. जब किसी कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोलिसिस के बाद एक लार्ज नंबर में मोनोसैकेराइड्स बनते हैं, तो वो सैकेराइड क्या कहलाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड. द वेरी गुड एग्जाम्पल इज द स्टार्च and cellulose, right? Now children, talking about the importance of carbohydrate. So carbohydrate are very important for us, right? Like they form a major portion of our food. हमारे जो खाने की अगर हम बात करते हैं, हमारे ज़्यादातर खाने में जो है carbohydrate present होते हैं, right? So actually they form a major portion of our food. Carbohydrates are used as storage molecule, as starch in plant and glycogen in animal. तो carbohydrate की अगर हम बात करते हैं तो एक storage molecule है, क्योंकि plants की बात करें तो plants का reserve food क्या होता है, starch.
एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स का रिजर्व फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन, राइट? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट इज मेड अप ऑफ बाय सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज सेल्यूलोज इज व्हाट? सेल्यूलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट. व्हाट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसेकेराइड है, राइट? तो सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है. उसी तरीके से फर्नीचर, पेपर, कॉटन टेक्सटाइल, मेडिसिन एंड ब्रिवरीज. सो इन दैट कैटेगरीज, राइट, इन दोज कैटेगरीज द कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड. सो यू सी अ मेजर पोर्शन ऑफ अवर लाइफ इज कवर्ड बाय कार्बोहाइड्रेट. सो इन दैट वे कार्बोहाइड्रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, राइट? सो आई होप वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कार्बोहाइड्रेट एंड ईच एंड एवरी पॉइंट बिकम्स क्लियर टू यू, राइट? So now your task is to revise and learn today's topic. Very soon we will meet again with another important topic of this chapter. Till then, have a nice day and thank you.